उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग करी है कि पिछले 15 वर्षों से कार्य करने के बावजूद भी उन्हें मात्र 10 से 12 हजार वेतन दिया जाता है, जिसमें वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहे और हमेशा नौकरी से हटाने का डर दिखाकर उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने पूर्व में निकाले गए सभी उपनल कर्मचारियों की बहाली की मांग की। अनिल बलूनी ने उन्हें भरोसा दिया। समस्या पुरानी समस्या है और गंभीर समस्या भी है और मुख्यमंत्री जी का संज्ञान भी है। हम लोग जल्दी 2-4 दिन में सब लोग बैठने वाले हैं, एक बार जरूर इस विषय के बारे में हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने बताया कि हम राज्य सरकार के उपनल के जो मामले हैं उनसे अवगत कराएंगे और उसको जल्द ही लागू कराएंगे करके। दिक्कत क्या है? पिछले 17 सालों से हम लोग उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, अभी तक राज्य सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और हाईकोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसको लागू किया जाए। नाम बता दीजिए। रमेश शर्मा। 7-8 सालों से मैं उनको जॉब कर रहे थे, अभी उनको हटा दिया, जबकि विभाग को जरूरत है, शासन ने उनको हटवा दिया है। हम मुझे दिन में भेजूंगा, ये जो आपकी समस्या है सब सब लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है, इसमें जब कोई अलग से जानते हैं करना, जिन लोगों को मैं जरूर बोलूँगा आपकी। सर इसमें राज्य का विभाग का मामला पूरा इसमें वर्णन कर रहा है, अमीन देखिए साहब से अगर आपके माध्यम से बात हो जाती है तो वो कर्मचारी का अमीन नहीं है। आप लोगों की बाइक जो है बाहर करें क्या? सर बाहर बाहर जाएंगे तो आप